हेलो एंड वेलकम, मैं आपका दोस्त तेजस्वी शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने फेसबुक के माध्यम से लाइव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से दोस्तों। और आज हमारे बीच हमारे 38वें बहुत ही बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका नाम है फरीद अहमद। दोस्तों आज हम फरीद जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, सीखेंगे किस तरीके से हम सभी के लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा है और किस तरीके से उन्होंने अपने हिम्मत और हौसले के बल पे अपनी तकदीर को बदल दिया कि वो इस मुकाम तक हैं। एंड दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप मुझे इतना सारा प्यार सम्मान दे रहे हैं, मेरी कोशिश को इतना सराह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने इस कार्य को ऐसी बरकरार रखूंगा एंड आपके बीच अपने नए दोस्तों को लेकर आता रहूंगा, उनसे लाइव आपको रूबरू कराता रहूंगा ताकि हम उनकी परेशानियों, उनकी समस्याओं के बारे में जान सकें एंड किस तरह से वो अपने डे टू डे लाइफ में कई तरह चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते हैं, उसको ओवरकम करते हैं। और ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे जाने एंड समाज में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैल सके, पर्सन विद डिसेबिलिटी की समस्याओं को लोग जान सके, यही मेरी कोशिश रहती है इस वीडियो के माध्यम से भी। दोस्तों फरीद जैसे हम बात करने जा रहे हैं एंड आई होप कि उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आप एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारे बहुत ही यंग जो है वो गेस्ट हैं और हमारे बीच में है, तो हमारे बीच अहमद जी, थैंक यू सो मच फरीद जी आज हमारे दोस्तों के साथ फेसबुक के माध्यम से लाइव जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका जेएनयू में कैसे आना हुआ एंड आप जेएनयू से क्या कर रहे हैं। जी सबसे पहले मैं इनिशियली एक मेडिकल एस्पिरेंट था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये हमारे लिए नहीं है, मैंने एम्स में एक डॉक्टर से बात की। जब मैं वहाँ पर आई चेकअप करवाने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम दूसरा काम कर लो, चूँकि इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तुम्हारी आई फुलफ़िल नहीं करती है। तो फिर इसके बाद हमारे एक भाई थे, साकिब रज़ा नाम है उनका, हमारे डिस्ट्रिक्ट से, अररिया बिहार से, उन्होंने कहा कि तुम यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करो और इसके लिए बेहतर माहौल के लिए तुम जेएनयू ज्वाइन कर लो। तो फिर मैंने उसके बाद जेएनयू के लिए टेस्ट दी और फिर मैं यहाँ पर एडमिशन लिया। तो अभी आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल मैंने यहाँ बेसिकली अरबी और फारसी, पर्शियन दोनों लैंग्वेज क्वालिफाई की थी, लेकिन चूंकि मुझे कम से कम वक्त देना था तो लोगों ने कहा कि जो भी हमारे एडवाइजर्स थे कि पर्शियन लो, वो आसान है ताकि उधर तुम्हारा कम वक्त लगे और तुम यूपीएससी के लिए बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सको। तो मैंने पर्शियन चूज़ की और मैं पर्शियन बीए फर्स्ट ईयर में कंटिन्यू हूँ। जी बिल्कुल, आप पर्शियन बीए फर्स्ट ईयर में हैं एंड फरीद जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार की जो स्पेशल एबिलिटी है और ये आपको कैसे हुई? जी मैं लॉ विजन से सफ़र कर रहा हूँ। अच्छा। इसकी सबसे पहली इनिशियल, मैं जब बचपन में था, लगभग 5-6 साल के होंगे, तो मैं बुक पढ़ रहा था तो मेरे पापा भी सामने बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे देखा कि काफ़ी झुक के मैं पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने इस बात को नोटिस की और उन्होंने फिर कहा कि ऊपर हुआ, तो फिर मैं ऊपर हुआ, लेकिन फिर मैं बुक नहीं पढ़ पाई। उसके बाद फिर दूसरे ही दिन उन्होंने डॉक्टर के पास चेकअप कराया और इसके बाद मैंने कंटिन्यू काफ़ी चेकअप करवाया, नेपाल वगैरह जो भी खास हैं, मैं चेन्नई शंकर नेत्रालय भी गया और एम्स में भी कंटिन्यू चेकअप करवाई, लेकिन चूंकि मेरा जो डिजीज़ है वो रेटिना पे, दोनों रेटिना पे स्पॉट है जिसका इलाज या फिर कोई सर्जरी अब तक पॉसिबल नहीं है पूरी दुनिया में। मैंने इसके लिए एक दिन नेट पे सर्फिंग कर रहा था तो मुझे एक चीज़ नज़र आया, कोई बहुत बड़े डॉक्टर थे रेटिना से, तो मैंने उसे मेल भी की लेकिन उन्होंने भी कहा कि अब तक तो नहीं है और मैं आगे कोशिश करूँगा। तो अभी इसकी लाइक क्या परसेंटेज है रिविजन की, कुछ मेडिकली बताया गया है? जी अभी हमारी परसेंटेज 40-70 के बीच में है और इसका नॉर्मल विजन 6x6 होता है और मेरा विजन 6x36 है। अच्छा बिल्कुल, लेकिन मैं फरीदी आपसे जानना चाहता हूँ कि फैमिली को जो पता चला कि आपको लो विजन की परेशानी है, तो अभी तक वो आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे उन्होंने आपको अभी तक सपोर्ट किया है? शुरुआत में तो हमारे फैमिली लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि इसके लिए भी गवर्नमेंट कोई ऐड या फिर 3% जो अभी 4% कर दी गई है वैसा कोई रिजर्वेशन है, तो अब तक भी शायद हमारे वालिद को पता नहीं है, जबकि वो एक उस्ताद हैं, टीचर हैं, लेकिन फिर भी शायद उनको अब तक पूरी तरह जानकारी नहीं है। इसके बाद जब मैं शंकर नेत्रालय गया तो वहाँ मेरे भाई साहब जो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उनके मद्देनज़र मैंने वहाँ पर आई चेकअप करवाई और मैंने वहाँ एक हॉस्पिटल में क्वेश्चन रेज की कि अगर कोई वैसा है तो आप मुझे सर्टिफिकेट बना के दें, लेकिन वहाँ पर टाइम लगने की वजह से मेरे भाई साहब ने इसे डिनाई कर दिया कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी क्लास छूट रही है तो तुम वहीं पर बनवा लो बिहार में। फिर मैं उसके बाद मुझे कोई बेनिफिट या फिर मेरी कोई सर्टिफिकेट बनी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर इसके लिए सर्टिफिकेट इशू होता है। फिर तब मेरे गाँव के दोस्त थे, उनसे जब मुलाकात हुई पटना में जब मैं +2 की स्कूलिंग कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी जस्ट सर्टिफिकेट बनवाई है और ये कंसर्न जो वहाँ हमारे एरिया से हैं उनका तुम नंबर लो
और वहाँ पर जाओ। फिर मैंने तब जा करके वहाँ पे अप्लाई किया तो, और वहाँ से फिर मुझे सर्टिफिकेट रिलीज हुई। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने रिजर्वेशन गेन की जेएनयू में। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है फरीदी, जब किसी को किसी प्रकार की जो डिसेबिलिटी होती है उसको अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कोई भी अनुभव अगर आप हमारे फेसबुक के माध्यम से जो लाइव हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके साथ शेयर करना चाहेंगे, किस तरह की परेशानियाँ जो है आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं या फिर महसूस करते हैं, कोई भी अनुभव अगर आप बताना चाहें तो। जी बिल्कुल जी, सबसे पहले एज फॉर एग्जाम्पल DTC बस में अब मुझे बस नंबर देखने में ही कई बस निकल जाती है, तो इस तरह की एक पहली परेशानी बस के लिए है। फिर मुझे जब मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही बस है जिसपे मुझे जाना है, तो फिर मुझे किसी से कांटेक्ट करना पड़ता है कि भाई ये बस वही है या फिर वो बस फला नंबर की आई तो मुझे बता दीजिएगा, या फिर ये बस वहाँ पे कौन सी बस जाएगी उसके लिए बेहतर बस मेरा नंबर कौन सा है। तो फिर कभी कभी लोगों को पूछने में थोड़ी अच्छा भी नहीं लगता, हेजिटेशन सा होता है कि पता नहीं उनका क्या रिप्लाई होगा। और कभी कभी जब रात में मैं ट्रेवल करता हूँ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ये मेरी कम विजन का फ़ायदा ना उठाएं, कोई हमारे साथ अनहोनी घटना ना करे। ये तो पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्लास में आता है फेस, चूंकि मैं एक फुली ब्लाइंड भी नहीं हूँ कि सर तो ये भी ना समझे कि फुली ब्लाइंड है, और मैं बोर्ड तो फर्स्ट बेंच से भी पूरी तरह नहीं देख पाता हूँ, और मैक्सिमम काम मैं क्लास में जो लिखता हूँ तो वो मैं सुन करके लिखता हूँ, जिसमें काफ़ी स्पेलिंग से हमारे गलत हो जाते हैं जिससे हमारे मार्क्स कटते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर ओवरकम करने के लिए फिर मुझे डिक्शनरी या फिर सर का दोबारा कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। और तीसरा प्रॉब्लम तो यूँ है कि जैसे कि मुझे मेडिकल से डिनाई कर दिया गया, तो हमारे दोस्तों को या फिर जो हमारे कंसर्नड लोग थे, जिस हमारे दोस्त ही साथी वगैरह, उनको तो ये नज़र नहीं आया कि इनका एक चीज़ डिनाई हो गया। लेकिन मुझे जब रिजर्वेशन मिली और रिजर्वेशन से मैंने जब एडमिशन ले लिया तो उनको लगा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दुखी है कि इनको क्यों रिजर्वेशन मिल गया। तो ये भी एक बहुत गलत एटीट्यूड है दोस्तों का। जैसा आप बता रहे थे कि जेएनयू में भी आपको कई तरह की परेशानियों का सामना अभी तक करना पड़ा है, वो क्या है अगर आप हमारे दोस्तों के साथ थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि जेएनयू में मुझे लैपटॉप और ये डिकोडर मिला, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका फुल फ़ायदा उस वक्त तक हो सकता है जब तक के यहाँ पर जो रिफर्ड चिप हो या फिर उसकी रिकॉर्डिंग हो हमारे सिलेबस कंसर्नड क्लास के सिलेबस की, तभी ताकि मैं उसको क्लास में, चूंकि बोर्ड मुझे नज़र नहीं आता तो मैं फ़ोन पे या फिर उसको मैं सुन सकूं, तो ये उस वक्त तक हो सकता है। अगर ऐसा कोई चिप इशू किया जाता है तो मुझे अब तक पता नहीं है जेएनयू में कि वैसा मिलता भी है, चूँकि ये चिप बाहर मार्केट में नहीं मिलती यहाँ के सिलेबस की, तो बाहर ये खरीदा भी नहीं जा सकता है। तो जेएनयू से अपील है कि अगर वैसा कुछ है तो इस पर कंसर्न की जाए, ध्यान दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल फारिद जी, जैसा आपने बताया कि आप बिहार से हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिहार में पर्सन विद डिसेबल को लेकर कितनी अवेयरनेस है और आप अपने आप को वहाँ पर कितना लाइक सुरक्षित महसूस करते हैं। जी जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे बिहार का तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ हद तक ये ठीक है, और हमारे गाँव में एक दो बंदे और हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट तो बनाया लेकिन रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा उन्होंने गेन नहीं की। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो अपने अपने लिए जो भी उनका कंसर्न है, जो भी उनके लिए है, वो अपने खोजें, लोगों से पता करें कि उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ऐड दे रही है, या फिर उनके लिए जो बेहतर फील्ड है उसमें जाएं, रिजर्वेशन गेन करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छा से अच्छा संवारें। क्योंकि फारिद जी आप मेरे से जूनियर भी हैं और आप BA में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जेएनयू में भी नया है तो फ्रेंड्स का कैसा सपोर्ट रहता है आपकी परेशानी को लेके, या कुछ भी अनुभव आप बताना चाहें। अभी फ़िलहाल तो चूंकि बेसिकली मैं उर्दू बैकग्राउंड से हूँ और उर्दू और पर्शियन संस्कृत ये सब डाउटर सिस्टर लैंग्वेज मानी जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई है। चूंकि अभी जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है वो उर्दू से रिलेटेड होता है, तो मैं उर्दू ऑलरेडी पढ़ रखा हूँ, तो मुझे अब तक कोई ख़ास उस तरह की परेशानी नहीं आई है। लेकिन अब जब मेरा कोर्स बढ़ेगा आगे, तो अब इसके लिए कोई होगी तो इंशाल्लाह मैं बाद में इस पर बात करूँगा। लेकिन दोस्त अभी कुछ बनाए हैं आपने, कुछ उनका सपोर्ट मिलता है? नहीं, इस सब मामले में तो चूंकि सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिलता अभी फिलहाल, चूंकि ज़रूरत नहीं है उस तरह की सपोर्ट की जो आगे फेस होने वाली है। फ्यूचर में आपका क्या एम है, क्या बनने का है? फ्यूचर में मेरा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि IAS बनूँ, IAS क्वालिफाई करूँ और DM बनने की ख्वाहिश है हमारी पहली। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एट फर्स्ट मैं अपने गाँव में कम से कम पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक अवेयरनेस कोचिंग क्लासेस और उसके लिए कोई प्रोग्राम इशू करूंगा, ताकि वैसे लोग जो भी हैं मार्जिनलाइज्ड, उनको इसका फ़ायदा मिले और उनके लिए जो भी गवर्नमेंट या फिर जहां पे उनके लिए उपयुक्त एम हो वहां पे वो अपना एम संवारे, अपनी ज़िंदगी संवारे। तो क्या आप अभी भी लाइक जो पर्सन विद डिसेबल्ड हैं या फिर जिनको विजुअली परेशानी है उनकी हेल्प अभी तक आपने की है या फिर करने की कोशिश करते हैं?
जी बिल्कुल, चूंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, फुली ब्लाइंड नहीं हूँ, तो बहुत जगह मुझे फुली ब्लाइंड भी लोग मिलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार यहाँ कोचिंग से कालूसराय से मैं जा रहा था अपने रूम पे, तो एक लड़की थी, उन्होंने बस उतरा तो वहाँ पे कोई नहीं था, मैं था और वो दोनों आदमी उतरे, तो उन्होंने उनके हाथ में जब छड़ी, वाइट छड़ी मैंने देखी तो मुझे समझ में आ गया, तो उन्होंने कहा कि कोई है, तो फिर मैंने उनकी हाथ पकड़ करके रोड क्रॉस करवाया और उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा। और बाकी जो भी लोग मुझे ऐसे मिलते हैं तो मैं उनको कन्विंस करता हूँ कि भाई आप सर्टिफिकेट बनवाओ और इसके लिए जो भी रिजर्वेशन है उससे तुम गेन करो, ये फील्ड तुम्हारे लिए बेहतर है। जो जानकारी मुझे हो पाती है मैं उसको जरूर देता हूँ। फरीद, लाइक आप तो बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी आप, ये जरूरी है कि हमारा यूथ भी इस सवाल को समझे कि लड़का लड़की में तो आज भी बहुत भेदभाव किया जाता है। लेकिन फरीद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइक जो गर्ल है और वो लाइक उसको विजुअली परेशानी है, एंड जो बॉय है उसको विजुअली परेशानी है, तो क्या अलग ही भेदभाव होता है समाज में? कोई, क्योंकि आप यंग हैं तो आप इसी को ज़्यादा बेहतर भी समझते होंगे, कितनी लाइक उनको, लड़कियों को कितनी मुश्किल आती होंगी, उनको कितना लाइक अनसिक्योर महसूस करती हैं, कुछ अनुभव है इसके ऊपर मुझे बताएं। नहीं, अब तक मुझे कोई लड़की विजुअली चैलेंज से मुलाकात नहीं हुई और उनसे मेरा कोई रूबरू अब तक नहीं हुआ है। अच्छा, इसलिए मैं इस पर कोई खास कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। तो हम दोस्तों हम फरीद जी को सुन रहे हैं और हम काफ़ी, मेरे से जूनियर भी हैं और बहुत यंग हैं और इनको विजुअली परेशानी है। और दोस्तों, यही मेरी कोशिश है कि जो भी व्यक्ति ऐसी परेशानी, ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। और जैसा फरीद जी ने बताया कि आगे चल के आईएएस बनना चाहते हैं, और जितने भी इनके और ऐसे लाइक जो पर्सन विद डिसेबल्ड हैं उनकी ये मदद करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं कि जिससे अवेयरनेस फैल सके, क्योंकि पता है इनको कि कितनी कमी है अवेयरनेस की। और यही मेरी कोशिश है दोस्तों, और ये कोशिश हम सबकी भी होनी चाहिए। जितने भी दोस्त, मेरे मित्र मुझे पूरे विश्व में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी भी कोशिश होनी चाहिए कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, क्योंकि ये दोस्तों एक नेचुरल, मैं कहूँगा एक समस्या है, लाइक लो विजन हो, चाहे हम कभी पैरालाइज होना इस तरीके से, तो ये एक हम कभी भी चीज़ें किसी के साथ हो सकती हैं, तो उसमें घबराने की, परेशान होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि जितने भी मैं अपने गेस्ट से आपको बात करा रहा हूँ, उनकी बातों को आप सुने और किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, किस तरीके से उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, और किस तरीके से वो एजुकेशन के क्षेत्र में आ गए हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आ गए हैं, एकेडमिक्स के क्षेत्र में आ गए हैं, तो इन चीज़ों से भी हम उनसे जान सकें और कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने माध्यम अपना बनाया। जैसे फारिक जी को हम सुन रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने लाइक अब ये कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो ये ज़रूरत है हम सभी को, जिनको भी ये परेशानी है वो इनसे सीखें और वो आगे बढ़ें। फरीद, मेरा आपसे एक और भी बेहद खास सवाल, क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ और अब तो हमारे देश में लाइक पूरे विश्व में भी इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ फरीद कि आप योग को लेके कितने अवेयर हैं, एंड आपने क्या कभी योग करने की कोशिश की है, और की है तो कैसे, और नहीं की है तो क्यों नहीं, और हम आपके लिए ऐसा क्या करें पूरे विश्व में जो मित्र मेरे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप भी उससे जुड़ सकें और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सकें। अगर इसके ऊपर कोई भी आप अपना सुझाव देना चाहें तो जी बिल्कुल। हम सभी जानते हैं योगा एक एक्सरसाइज का फॉर्म है, तो अभी जैसे कि नौजवानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक पेट को लेकर के होता है, स्टोमैक को, और हेयरिंग प्रॉब्लम, बाल गिरते हैं लोगों के, तो मैं समझता हूँ कि योगा में इस तरह के इनको रिकमेंड करने के बहुत अच्छे तरीके हैं उसमें, और इसे लोगों को करना चाहिए। और योगा डे भी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया है, 21 जून जो हम लोग योगा डे मनाते हैं, ये एक काफ़ी अच्छी पहल है। दूसरी बात, मैं अब तक योगा नहीं किया हूँ, ना कोई क्लास की है। मैं समझता हूँ कि ये एक एक्सरसाइज, और मैं लगभग 5 वक्त की नमाज में से 4 वक्त की नमाज अदा करता हूँ अभी फिलहाल, तो मैं समझता हूँ कि ये लगभग पूरा हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर इसके इंस्पायर्ड कोई और भी बेहतर योगा है तो मैं, अगर फ्यूचर में मुझे वक्त मिला तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। जी बिल्कुल दोस्तों, तो हमने फरीद जी को सुना, इनके विचारों को भी, विचारों को भी सुना, एंड जाने से पहले बिल्कुल फरीद जी से कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश ये देना चाहें, जो भी किसी इशू पे अगर आप कुछ बोलना चाहें, रिक्वेस्ट करना चाहें, तो जी बिल्कुल। जी, मैं एक एम्स में जब मैं सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, तो एम्स से जो अप्लाई करने के बाद जो ऊपर की अथॉरिटी थी, उन्होंने 40% से मुझे इशू की सर्टिफिकेट, लेकिन जो काउंटर पर थे, हमारी जो विजा डिसेबिलिटी है वो एक तो विजुअल है, जो कि कई खास कम लोगों में होता है, और इंस्पायर्ड मेरा एक एक्सेप्शनल केस है जो कि 100 विजुअल इम्पेयर्ड में एक को होता है, तो ये जो लिस्ट है वो लोग कॉमन लिस्ट में नहीं रखते हैं। तो जो आप ऊपर से अथॉरिटी है, उन्होंने तो इशू सर्टिफिकेट 40% की,
लेकिन जो जिस आधार पे काउंटर पे जो इशू कर रहे थे सर्टिफिकेट, उनको लगा कि ये गलत है, तो उन्होंने जाकर के किसी पता नहीं अननोन डॉक्टर से सिग्नेचर करवाया और वो 40% को 20% कर दी, यानी कि गलत सर्टिफिकेट इशू हो गया। दोबारा मैं एम से कंटेक्ट नहीं किया, चूँकि उस वक्त पिछले साल मेरा एग्जामिनेशन चल रहा था, मुझे वक्त मिला नहीं। तो मैं दोबारा इस पे जाऊंगा तो मैं उसे कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें वक्त बहुत लगता है, 1-2 महीने घूमना पड़ता है एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो मैं फिर पिछले साल तो उसको छोड़ दिया था। दूसरी बात यह है कि इस पर जो एम्स में है या फिर जहां भी जिस पर भी जो लोग हैं उसको पूरा ध्यान में रख करके जो भी डाटा गवर्नमेंट तैयार की है, कुछ विजिबिलिटी ऐसी भी है कि जो अब तक गवर्नमेंट ने जितनी कैटेगरी बनाई है उसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो जो भी उसके लिए डॉक्टर्स हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर की ऐसे केस में डॉक्टर की डिसीजन अपनी डिसीजन होगी, वो उनको जो बेहतर लगेगा डॉक्टर वैसा करेंगे, तो डॉक्टर जो करें वैसा ही रहने दें, और काउंटर पर जो अननोन लोग होते हैं जिसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती उसमें वो इंटरप्ट ना करें। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या मैं कहूँगा पर्सन डिसेबल को आती है सर्टिफिकेट को लेके, और बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है और कितनी मेहनत मुशक्कत के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो मेरी गुजारिश है आप सभी से और सरकार से भी कि ये जो एक समस्या है, जैसा इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर का डिसीज़न है उस पर ही लाइक उस चीज़ को ही वैलिड माना जाए, तो ये जो समस्याएं आती हैं लोगों को इस पर थोड़ा सा काम किया जाए ताकि उनको ईजिली जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और ये जो एक बेसिक मैं कहूँगा नीड है, अगर वो भी उनको सही तरीके से नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। तो इस सर्टिफिकेट का भी जो मसला है, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से लोग सुन रहे हैं मुझे और जैसा फारिद जी ने बताया उस पर काम हो और आसानी से जो है लोगों को वो चीज़ भी मिले। बिल्कुल फारिद जी, कोई भी मैसेज अगर आप जाने से पहले हमारे मित्रों को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी मैं पूरी सोसाइटी से अपील करता हूं कि जो भी ऐसे लोग आपको दिखें तो आप उनसे भागें नहीं, उनकी जितनी हद तक हो सके आप उनकी मदद करें, क्योंकि वैसे लोगों के लिए हम नहीं मदद करेंगे तो फिर कौन आएगा? अगर हम ना मदद करें, हम उससे दूर भागें, तो फिर तो वैसे बंदे भगवान या अल्लाह को ही गाली देते रहेंगे कि हमने क्या गलती की, मुझे ऐसा किया गया। तो ज़रूरत है वैसे लोगों की एज फार एज जितनी हो सके हम उसकी मदद करें, क्योंकि मदद करने में तो मेरा ना तो रिसोर्सेज जा रहा है ना कुछ जा रहा है, बस थोड़ा सा एज फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड है या फिर कोई वैसे लोग हैं या फिर बोर्ड से नकल करने में कोई स्पेलिंग गलत हो रही है तो उसे बता दें कि भाई ये स्पेलिंग गलत है ऐसे कर लो, या फिर वो कुछ पूछें तो उनको सही जानकारी उसको दें। बस शुक्रिया जी। बिल्कुल। तो दोस्तों फारिद जी को आपने सुना और इन्होंने कहा कि मदद करें ऐसे लोगों की, उनको आगे बढ़ाएं, और मदद करने में तो हमारी कोई उसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा, कोई रिसोर्स उसमें नहीं जा रही है। बिल्कुल, मैं यही गुजारिश है मेरी आप सबसे भी कि अपने आसपास जितने भी भाई बहन दोस्त रह रहे हैं और वो किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, उनको कोई चैलेंज है उनके ज़िंदगी में, तो उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें, उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सभी हमारे भारतवर्ष के फ्यूचर हैं और इनके सहयोग से ही हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। और हम सभी के अंदर एक काबिलियत है और काबिलियत भी होने का फ़ायदा तभी होगा जब हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो कहीं ना कहीं इसका कमी है हम सभी में कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते या फिर एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश है कि अवेयरनेस आए और हम लोगों की मदद करें, उनको गिराने के बजाय उनको हाथ अपना थामें और थमाएं कि वो भी आगे बढ़ सकें। दोस्तों इसी बात के साथ मैं आप सबसे अलविदा कहता हूं और मैं फिर मिलूंगा किसी नए अपने मेहमान के साथ जो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मोटिवेट रहें, मोटिवेट करते रहें। मैं फिर आऊँगा। सी यू गाइस, डू लाइक एंड शेयर, कमेंट, बाय।